अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ जॉइंट कपकेक की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये एक केक है लेकिन कपकेक की शेप में। इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसमें कितने अंडे यूज़ होंगे, कितनी क्रीम यूज़ होगी, कितना केक का वेट होगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो भी क्या है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम में भी ये केक बनाएं तो परफेक्टली बने। मैं ये केक कब से बनाना चाह रही थी और लकीली मेरे भांजे भांजी आई हुई थी तो मैंने उनके लिए बनाया और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको स्पंजेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने 2.5 पाउंड स्पंज की रेसिपी यूज़ की है, वनीला वेलवेट स्पंज, जो मैंने 2 पाउंड आपको सिखाया है, 1 पाउंड मैंने सिखाया है। ठीक है, अगर 1 पाउंड की रेसिपी को हाफ करेंगे तो वो हाफ पाउंड हो जाएगा, साथ में आपने 2 पाउंड की रेसिपी को यूज़ करना है, यानी कि इसमें 5 अंडे जाएंगे। ठीक है, 130 ग्राम मैदा, 130 ग्राम चीनी, ठीक है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा वनीला एसेंस। तो मैंने इसको 3 अदद मैंने लिए हैं 6 इंच के पैन। ठीक है, तो 2 स्पंज हमारे बने हैं 1 पाउंड के और एक जो सिंगल लेयर थी वो है हमारी 1/2 पाउंड की। टोटल हमारा जो स्पंज का वेट आएगा और पूरे का केक का जो वेट आएगा वो होगा 2.5 पाउंड। ठीक है, लेकिन मेरा ये केक 2.5 पाउंड से 2.75 पाउंड तक चला गया था, क्योंकि मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी क्रश शूट किया था। और यहाँ पे मैं हमेशा 1 पाउंड स्पंज की जो लेयरिंग करती होती हूँ वो मैं 2 लेयर्स में करती हूँ इसकी कटिंग, लेकिन ये घर के लिए केक था और इसमें भी काफ़ी मोटी मोटी लेयर्स आ रही थी तो मैंने इसकी 3 लेयर्स की हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्टली लेयर्स बनी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी 3 लेयर्स कटिंग की, 2 स्पंजेस की 3 लेयर्स हो गई 6 लेयर्स और 1 लेयर जो सिंगल थी। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे लेयर्स आ गई, स्पंज की लेयर्स आ गई, वो हैं 7। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि 5 अंडे यूज़ हुए हैं और वनीला वेलवेट स्पंज की रेसिपी है और ये मैंने पतीले में ही बेक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ। अब करते हैं इसकी स्टैकिंग। स्टैकिंग के लिए क्या किया है, सबसे पहले मैंने केक बोर्ड लिया, उस पर मैंने स्पंज की एक लेयर रखी और उसको जो मैंने सोक किया है, उसको जो मैंने मॉइस्ट किया है वो मैंने मिल्क से किया है। ठीक है, और उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी स्ट्रॉबेरी क्रश, जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन वीडियोस के लिंक्स देती हूँ जो इस वीडियो से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इररिलेटेड मैं वीडियोस के लिंक्स नहीं देती। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वीडियो का लिंक होगा जिसमें मैं स्ट्रॉबेरी क्रश बनाना सिखाती हूँ, मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी से बनाया था। ठीक है, और क्रीम में भी मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाला था, स्पंज के ऊपर भी मैंने हल्का सा स्ट्रॉबेरी क्रश लगाया ताकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा सा फ्लेवर आए। ठीक है, और फिर मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश का बेधड़क और बेदरेर इस्तेमाल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट आया है और मेरे भांजे भांजियों को तो बेहद पसंद आए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसी तरीके से मैंने क्रीम लगाई और क्रीम की लेयर्स मैंने बहुत ही कम रखी हैं क्योंकि मैंने स्पंज की लेयर थोड़ी सी पतली कर दी थी, तो ये ना हो कि आप बस क्रीम ही क्रीम खा रहे हो और स्पंज ना खा रहे हो, तो इस तरीके से मैं नहीं करती। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 5 लेयर्स रख दी स्पंज की और बिल्कुल नीचे से ना मैं इसकी हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर रही हूँ स्लांटिंग वे में, यानी कि थोड़ा सा तिरछा आपने नीचे कट करना है और ये जो आपने पीसेस कट करने हैं ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे, ये इसी केक में ही यूज़ होंगे। और इसकी यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्रम कोटिंग। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने टॉप पे एक और 6 लेयर भी रख दी थी, तो यहाँ पे अब मैंने 6 लेयर्स को स्टैक कर लिया है। उसके बाद मैंने इसकी, जैसे कप केक नीचे से छोटा होता है और वो कटा हुआ होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इसी शेप में इसकी कटिंग कर ली है, जैसे कि एक गमला होता है नीचे से वो बिल्कुल पतला होता है ऊपर से चौड़ा होता है वैसे ही। लेकिन यहाँ पे मुझसे छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये कटिंग मैंने इक्वली नहीं की, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे करूं या कैसे ना करूं, जैसे जैसे मुझे समझ आता गया। लेकिन अब जब मैं वीडियो देख रही हूं तो मुझे साफ पता चल रहा है कि कुछ जगहों से मैंने इसकी कटिंग जो है वो स्ट्रेट नहीं की थी। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, जो 7th लेयर थी, जो 7वीं लेयर थी, उसको मैंने सेंटर से कट किया और वो 7वीं लेयर जो है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, यानी कि ये जो हमारी लेयर्स थी, ओवरऑल जो हमारी लेयर्स थी वो 6 इंच की थी और जो टॉप वाली लेयर होगी वो
वो 5 इंच की होनी चाहिए। और जितने भी पीसेस हमारे बच गए थे उसको हमने इस तरीके से डोम शेप में स्टैक करना है। अब मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसे देखी हैं कि जो कपकेक बना रहे होते हैं केक की सूरत में, वो उस डोम में क्रीम को अप्लाई करते हैं, वो एक क्रीम का पहाड़ लगा देते हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी की सारी डोम शेप में स्पंज को यहाँ पे मैंने स्टैक किया है और इसको हल्का सा क्रम कोट कर लिया है। अच्छा जी, नीचे मैंने थोड़ा सा स्पंज लगाया है बिल्कुल बॉटम में, क्योंकि यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा टेढ़ी कटिंग हो गई थी और मुझे डर लग रहा था कि स्पंज कहीं गिर ही ना जाए। तो खैर, जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े से फ्लॉज नज़र आ रहे थे, जहाँ जहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि मुझसे गलती हुई है कटिंग में, वहाँ पे मैंने स्पंज की फिलिंग कर दी है, वही स्पंज जो मैंने पहले से काटा था, और बिल्कुल हल्की सी क्रीम लगा कर मैंने इसको क्रम कोट कर दिया था। अच्छा जी, कल के लाइव सेशन में मैंने आपको क्रीम विप करना सिखाया, ये बिल्कुल लाइव, और इसके अलावा भी मैंने आपको विप करना सिखाया कि गर्मियों में किस तरीके से विप करते हैं, इवन कि चॉकलेट गनाश भी इसमें कैसे ऐड करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने क्रीम में स्ट्रॉबेरी क्रश भी ऐड कर सकते हैं, तो आपकी क्रीम ज़रा से भी मेल्ट नहीं होगी। उसका लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा जी, इस केक की क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने तकरीबन 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जिस टाइम ये काम कर रही थी तो मैंने ये जल्दी सुबह सुबह ही काम कर लिया था, और फिर मैंने 3-4 घंटे तकरीबन इसको रेस्ट दिया है क्रम कोटिंग के बाद फ्रिज में, ताकि ये अच्छा सा स्टेबल हो जाए। और दूसरा, जो हमने स्ट्रॉबेरी क्रश चूज़ की, उसका जो टेस्ट है ना, वो क्रीम में भी और स्पंज में अच्छी तरीके से रच बस जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम में 1-2 ड्रॉप, बहुत ही थोड़ा सा मैंने लिक्विड येलो कलर ऐड किया है मिल्की इसका, बेक हाउस का। ठीक है, इसकी मैंने क्रम कोटिंग फाइनल फ्रॉस्टिंग कर ली, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से पैलेट नाइफ से मार्किंग कर दी है, जैसे कपकेक के ऊपर कपकेक लाइनर के निशान होते हैं ना, वैसे ही इस तरीके से मैंने भी इसको कुछ इस तरीके से निशान लगा दिए, उसकी कुछ शेप दे दी। और इसकी टॉप पर जो है वो मैं फाइनल फ्रॉस्टिंग नहीं करूँगी, इसके ऊपर मैंने 1mm नोजल से क्या किया है, क्रीम में जो मेरे पास लाइट येलो क्रीम थी जो कि मैंने नीचे लगाई है, इसी क्रीम में मैंने थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया है और थोड़ा सा येलो कलर और ऐड किया है, तो ये मेरा ऑरेंज कलर परफेक्टली बन जाता है। ठीक है, रेड थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और येलो थोड़ा सा कम जाएगा, मैंने कभी भी ऑरेंज कलर नहीं लिया, मैं रेड एंड येलो की मिक्सिंग से ही ऑरेंज कलर बनाती हूँ। तो बस फाइनल फ्रॉस्टिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि 1mm नोजल से भी काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रीम लग जाती है, तो वो क्रीमी क्रीमी होने की बजाय मैंने बस इसके ऊपर जस्ट डायरेक्ट फ्लावर्स ही बनाए हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्लावर से कोट कर लिया है, जैसे कि एक कपकेक होता है चुनू मुन्नू सा जैसा होता है ना, क्रीम से भरा हुआ होता है, वैसे ही कर दिया है। और इसकी बॉटम से मैंने सारी की सारी इसकी जो एजेस थे केक बोर्ड की सरफेस को मैंने क्लीन कर लिया है, और इसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल्स लगा लिए हैं, गोल्डन एंड येलो कुछ इस तरह से मिक्स कलर के थे। बटरफ्लाइज वगैरह मेरे पास पड़ी थी, मुझे लगाना याद ही नहीं रहा, वो बड़ा ही प्यारा लगती, मेरे पास आर्टिफिशियल बटरफ्लाइज भी थी और मेरे पास फॉन्डेंट की भी थी, लेकिन मुझे लगाना बिल्कुल भी याद नहीं रहा, क्योंकि मेरे भांजे भांजे को जल्दी थी कि बस जल्दी हो और हम केक कट करें और ये सब कुछ ना। खैर, ये टेस्ट में बड़ा ही अच्छा बना था, और 2.5 पाउंड से थोड़ा सा केक इसलिए बना था क्योंकि मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश जो है वो बड़ा अच्छा यूज़ किया है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।